So guys, welcome to ExoShare Academy. So today we are going to do numerical based on the PCR. So if you know the basics of PCR, then it becomes very easy. अगर आपने कभी PCR lab में भी किया है तो और easy हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? So let's see the question first. What is given? So PCR having the 100 microliter of reaction volume is given. It has got the two primers at a concentration of 0.2 micromolar each. So, आपका रिएक्शन वॉल्यूम हो गया है गाइस, कीप योर कैलकुलेटर रेडी. ओके, सो 100 माइक्रोलीटर रिएक्शन दिया है और प्राइमर्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इट इज 0.2 माइक्रो मोलर. ओके, नाउ इट इज द पीसीआर इज सेटअप टू एम्पलीफाई 250 बेस पर डीएनए फ्रैगमेंट. ओके, नाउ कंसिडर द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन बेस पेयर एज 660 डाल्टन. सो अभी इसमें दिया हुआ है 660 डाल्टन. इफ सपोज इट इज नॉट गिवन, तब आपको 650 डाल्टन यूज करना है, ठीक है? अगर कभी मेंशन नहीं किया है देन आपको 650 यूज करना है, अगर मेंशन किया है तो 660 करना है. इफ द प्राइमर्स आर फुली कंज्यूम बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ द फाइनल पीसीआर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डैश. तो हमें ये निकालना है. कुछ आइडिया कहाँ से शुरू करना है, क्या करना होगा, या किसी को कुछ फॉर्मूला है जो मालूम है? Yes, मैम, पीसीआर के केस में तो एक ही फॉर्मूला पता है, 2n फॉर नंबर ऑफ साइकल्स. नहीं नहीं, नॉट दैट. अभी क्या है, इसमें ये पूछा है कि इतना पीसीआर ये पूरा यूज होने तक का जो पीसीआर है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, द प्राइमर्स आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो ये पूरा यूज होने तक आपका पीसीआर चलेगा. सो यू डोंट नो वी हियर नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, बस ये मालूम है कि आपका 0.2 माइक्रोमोलर प्राइमर्स कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पूरा खत्म होगा, ठीक है? अब आपको बताना है कि इसमें टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल पीसीआर प्रोडक्ट कितना हुआ, ठीक है? सो ये प्रैक्टिस के लिए है, उसके बाद जब भी फ्यूचर में कभी क्वेश्चन मिले सो यू कैन डू इट. तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है? आप लोग ये लिख लो बिकॉज अच्छा रहेगा. टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इज इक्वल टू डीएनए फ्रैगमेंट का साइज दिया हुआ है. सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर, द साइज ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट 250 बेस पेयर, ठीक है, इनटू एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 660 डाल्टन, एंड टोटल नंबर ऑफ प्राइमर्स zoomed in the reaction, ठीक है? Okay, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है. सो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इज इक्वल टू डीएनए फ्रैगमेंट विच इज गिवन एज 250 इनटू एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 660 एंड टोटल नंबर ऑफ प्राइमर्स कंज्यूम, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइमर्स निकालना है, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इन माइक्रोमोल्स दिया है, तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा. इट मीन्स वॉट, वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमर्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है? Then you can get the total amount of DNA. अब first thing is to calculate the primer molecules. बहुत ही सिंपल है. The only thing is ये हमने कभी तो हमारे chemistry में किया होगा, ठीक है? Guys कहीं पे भी doubt होगा तो you can stop me and ask, ठीक है, कि हमने ऐसा क्यों किया है. So what is the concentration primer given? It is 0.2 micromolar. Do you agree? Right? Now this 0.2 micromolar primer is dissolved in 100 microliter of reaction volume. तो टोटल कितना हो जाएगा ये. सो यू कैन राइट दिस एज 20 माइक्रोमोल्स. कैलकुलेशन सही है, ठीक है? डाउट होगा तो प्लीज गाइस पूछ लेना. यस मैम. हाँ, सो नाउ दिस इज नथिंग बट आई कैन राइट एज 20 × 10⁻⁶ मोलर. देन दिस कैन अगेन बी रिटन एज 0.2 × 10⁻⁴, ठीक है? आपके ऊपर है आपको कौन सा इजी लगता है, आइदर यू कैन यूज दिस और आइकर और दिस यू कैन यूज, ठीक है? आपके ऊपर है आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है यूज करने में. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. कभी भी केमिस्ट्री में अगर आपने किया होगा, सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू नीड टू मल्टीप्लाई विद वन नंबर. व्हाट इज दैट नंबर? एवोगाड्रोस नंबर. वेरी गुड, इट इज द एवोगाड्रोस नंबर. सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू दिस नंबर 0.2 × 10⁻⁴ into your Avogadro's number, जो हम ऐसे represent करते हैं, which is 6.023 × 10⁻². ये आपको हमेशा याद रखना है this quantity. Now it's on you whether you can multiply this and keep it ready, or
इसी के साथ आप वहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट. अगर किसी पास कैलकुलेटर है तो दे कैन डू दी फास्ट कैलकुलेशन. एंड हाँ, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा. ठीक है, सो डोंट थिंक दैट कि आपको कैलकुलेटर मिलेगा. तो थोड़ा फास्ट रहना होता है इसमें. सो आई एम गोना गेट अराउंड 12.044. हाँ हाँ, सो दैट कैन बी रिटन एज 1.2 × 10⁻²⁴, 23 कितना हो गया, प्लस का 19. देखो सही आ रहा है. Are you guys getting the same? Approx value लेंगे because फिर multiplication करने में easy जाएगा. और ये सारी चीजें जब आप रिसर्च करना शुरू करोगे, या जब आप रिसर्च करना शुरू करोगे ना अपने पीएचडी लाइफ में या रिसर्च लाइफ में, तो ये बहुत काम आता है इस तरह की क्वेश्चंस. बिकॉज कैसे होता है, यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड उसके बाद क्या होता है, हम सो दिस इज लाइक यू नो दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, राइट. और फिर उसके बाद आप नैनो ड्रॉप मशीन में जाके यूज करेंगे, चेक करेंगे कितना कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है. सो योर एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व वैल्यू आपका थोड़ा आसपास होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ गलती हो रही है, राइट. सो पीसीआर, even though we say it is very easy, कुछ नहीं करना, add करना है, machine में डालना है, but it is very difficult to troubleshoot कि कहाँ गलती हो गई है. ठीक है, so I'll bring such questions also for you guys. Okay, so what was the value? 1.2 × 10⁻¹⁹ था हमारे पास. ठीक है, now put the values in the formula. तो क्या क्या था, so total amount of DNA is equal to 250 base pair जो दिया हुआ है. So 250 × 660. अब ये क्या है, ये डाल्टन में दिया गया है. ठीक है, और हमें इसको ग्राम में करना होगा बिकॉज क्वेश्चन जो है आपका माइक्रोग्राम में है. सो एनी आइडिया हाउ टू कन्वर्ट डाल्टन इनटू ग्राम, कैसे करेंगे? सो इट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1 डाल्टन is equal to 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम. ये आप लोग याद रख लो. ठीक है, तो अभी ये डाल्टन है, मुझे ग्राम में करना है. सो मल्टीप्लाई 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. सो कैलकुलेटर है ही हमारे पास, राइट. तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो अराउंड 3.3 माइक्रोग्राम जाना चाहिए इसके आसपास. सो योर आंसर ओवर हियर इज 3.3 माइक्रोग्राम. सो गाइज, क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? सो नाउ यू नो दी फॉर्मूला ऑल्सो, और हमें कैसे, हमने कैसे प्राइमर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए वो भी हमें पता चल गए, राइट. अभी नंबर ऑफ प्राइमर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल वॉज नॉट गिवन. बस इतना दिया है कि इतने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमर में इतना बेस पेयर ऑफ डीएनए आपका बनना चाहिए. So if I know the number of primer molecules, then I can get the total number of DNA fragments. So 250 into that primer numbers will give me the total DNA fragment. अब हमने इसे multiply कर दिया तो वो हमें weight दे देगा. Clear? आया समझ में सबको? Yes ma'am. हाँ. So कोई doubt है किसी भी step में हमने कैसे किया? एक बार अपने आप करके देखना, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना. गो विद द एप्रोक्सीमेट वैल्यू, जरूरी नहीं है प्रिसाइज होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में भी दिया है ना राउंड ऑफ टू द 1 डेसिमल प्लेस. सो इट बिकम्स इजी फॉर यू नो कैलकुलेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अभी और कोई डाउट है क्या आप लोग को? सो वी कैन हैव दैट ऑल्सो. Eukaryotes and prokaryotes. G proteins. Eukaryotes और prokaryotes में क्या difference है? G proteins के context में specially. Okay, एक तो eukaryote में G proteins are made up of different subunits, ठीक है? और prokaryotes में एक ही रहता है. एक तो ये हो गया structural difference.
ये कहाँ इंटरव्यू में पूछा था या इंटरव्यू क्वेश्चन था? यस मैम, मैम आज मेरा आईजीआईबी का इंटरव्यू था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ओके अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया है फंक्शन वाइज, फंक्शन वाइज आई डोंट नो बिकॉज स्ट्रक्चरल डिफरेंस ओनली आई कैन टेल राइट नाउ। अगर आपको ध्यान हो तो जी प्रोटीन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इन यूकेरियोट्स अल्फा बीटा गामा सब यूनिट अलग होते हैं। सो व्हेनेवर अल्फा गेट्स एक्टिवेटेड तो बीटा गामा को वो छोड़ देता है एंड दिस पोर्शन अल्फा सब यूनिट गोज एंड इंटरैक्ट्स एंड एक्टिवेट्स दी फर्दर इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। ठीक है, whereas in the case of prokaryotes वो एक ही है, एक ही सिंगल प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके मैम, ये एक डिफरेंस मुझे मालूम है, रेस्ट तो मुझे शायद रिसर्च पेपर्स में देखना पड़ेगा। तो ये तुमसे पूछा था और लाइक एंड व्हाट आंसर यू गिव मैम एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था तो आई डिनाई दैट आई डोंट नो द आंसर। अच्छा अच्छा दैट्स आल्सो फाइन। सी व्हेनेवर यू गो फॉर इंटरव्यू ना उनको ना ऐसे लटका के नहीं रखना होता है, आता है तो ठीक है, अगर फ्रेम कर रहे हो तो भी उनको बता दो कि जस्ट गिव मी यू नो 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स फ्रेम योर आंसर, और नहीं आता है देन पास द क्वेश्चन। गुड ओके एनी अदर क्वेश्चन? देयर वाज दिस क्वेश्चन लाइक वी हैव आस्क्ड इन द इंटरव्यू द डिफरेंस बिटवीन PCD1 एंड PCD2। ये उसके एमएससी थीसिस में था, एमएससी डिसर्टेशन वर्क में था। सो शी हैज वर्क्ड ऑन PCD2। So I simply ask what is the difference between PCD1 and PCD2. So who can answer? Achha, how many of you know what is PCD1 and PCD2? Yes, Anya, any idea? Anyone? Now, if I tell you the full form of PCD, I guess many of you can get the answer then. Okay. So, PCD is nothing but programmed cell death. Ab, now can you answer? It's very simple. Program cell death is also known as your apoptosis. ये तो आपने सुना ही होगा, right? And the other one. So your apoptosis is known as PCD1. Okay. And PCD2 again program cell death 2 हो गया, and that is also known as autophagy. आपको मालूम है एपोप्टोसिस और ऑटोफेजी के बीच में क्वेश्चन पूछा है तो आप आंसर दे सकते हो, राइट? नाउ यू कैन आंसर, राइट? मौलिक, अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा गया आप दे सकते हो आंसर? मैम प्रोग्राम सेल डेथ ऑटोफेजी इज जस्ट डियर I don't know the explanation, just a scavenger, like it just digestion. Program cell death may your point is also correct. So okay, ye to clear hai, program cell death apoptosis hota hai, theek hai? So you can talk about apoptosis, and suppose whenever you're talking about apoptosis also talk about intrinsic type and the extrinsic type, theek hai? What kind of ligands interact with the and activate the intrinsic pathway or extrinsic pathway ke liye kaun interact karta hai, theek hai? And do talk about caspase 3, kyunki chahe intrinsic pathway ho extrinsic pathway ho caspase 3 is the important one. ये हो गया एपोप्टोसिस, ठीक है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑटोफेजी, सो वी नो दैट ऑटोफेजी इज दी, ये क्या करता है? सो व्हेनेवर योर ऑर्गेनल्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया इन द केस ऑफ प्लांट्स, सो व्हाटएवर दीस
organelles are not functioning. So that time autophagy means they go and interact with the or fuse with the lysosomes. Agree? तब क्या होगा? वो self digesting हो रहा है inside because we don't want to hurt the cell. तो इसलिए mitochondria it will get wrapped and it will get fused with the lysosomes and it will be degraded off. ठीक है? Now why it is called programmed cell death too? Because sometimes the autophagy what they do is that they increase the size of the lysosomes and cell itself is getting engulfed. Cell अपने आप को ही खा रहा है. कैसे? छोटे छोटे टुकड़े करके. See, I'll just try making the diagram. So suppose this is the cell which is undergoing for autophagy. So autophagy अब तक हमें क्या मालूम था कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या कोई भी सेल्स हो गया उसके साथ लाइसोजोम फ्यूज होगा. ठीक है? Now when I'm talking about the entire cell getting engulfed by itself, what does it mean? So what it will do is it will take endocytosis. इतना पार्ट अंदर आएगा. ठीक है? It will fuse with the lysosome. Then again it will take this much of part. It will fuse with the lysosome. Then again and then again. So by the time what happens? Most of the part of the cell is being consumed by the its own lysosome. अब जब consume कर रहा है तो what does it mean? It is going to release the phospholipids, your amino acids, whatever is present in its simplest form. It is going to release in the extracellular matrix, and that that simple form can be taken up by the nearby cells. So धीरे धीरे it is going to kill itself, and since it is regulated, it is called programmed cell death. Now it's clear? Yes, ma'am. See, these few of the things will be ऐसे नया रहेगा. आपने शायद टेक्सटबुक में नहीं लिया होगा, but these topics have become very old. क्योंकि जब आप MSc करते हो, I don't know like what is the procedure in your colleges. So in my college, like where I was teaching, so what we used to do is MSc में जो project recitation होता है, उसके साथ हम research paper presentation भी बहुत सारा कराते हैं. And it's not only for the presentation. आप उसमें technique सीखते हैं, technique के बारे में सीखते हैं, how and when to use what technique. ठीक है? So इस तरह से आपको और knowledge मिलती है. So अगर if you guys have time, so please go through all these research papers. आप जब भी वो topic पढ़ते हैं, आपको interesting लगता है, just read at least one or two research papers. So this is going to help. आपको बहुत सारा ऐसे thinking ability improve होगा. Okay. So this is one question. Anything else? Any other question? I told you to keep your question ready. Ma'am, I have a question from technique. Ma'am, is there any technique to distinguish between the double stranded DNA and double stranded RNA? Double stranded DNA and double stranded RNA. Okay, technique wise, I can give you I can give you the example. Okay, it can come under technique also, analytical technique. What you can do is, see, we know that in the case of RNA, it has got 2-OH group. Agree? And in this case, it doesn't have. Yes. Right? That's why we say it is deoxy. Hai na? Now, if you could add alkali or alkaline reagent to the RNA, it will get cyclized or it will form a cyclic structure. Theek hai? Now, this cyclic structure will have less absorbance at 280 nanometer as compared to its normal double stranded structure. Samjha kya? Ma'am, is it at 280 or 260 nanometer? Oh, sorry. Ha, 260. 280 protein ke liye hota hai, 260 nanometer. Okay. Yes, correct. But now you got the procedure, right? कैसे अगर आपको distinguish करना है तो आप कैसे करोगे? है ना? Yes, ma'am. See, why cyclic structure will give less absorbance? Cyclic structure will give less absorbance because, see, if you have got something like this, it is easy to get the absorbance from the bases of the DNA and RNA. But once it becomes the cyclic, so it is not possible for the bases to absorb the radiation at the 260 nanometer and gives the emission. ठीक है? तो जितना ज्यादा cyclic होगा उतना कम absorption होगा, उतना कम transmittance होगा. तो इसलिए आपको जो value रहती है वो आपको कम मिलेगी. ठीक है? तो इस हिसाब से आप double stranded DNA, double stranded RNA distinguish कर सकते हो.
ओके एक नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है वंदना ने एमआई आरएनए डिग्रेड टारगेट एमआरएनए ओके माइक्रो आरएनए राइट सो टेक्निक वाइज हाउ टू नो माइक्रो आरएनए डिग्रेडेड दिस एमआरएनए इट्स वेरी सिंपल रन द योर पीसी रन द पीसीआर नॉट पीसीआर सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ठीक है क्लियर है या मैं डिटेल में समझाऊं ओके आई विल एक्सप्लेन इन द डिटेल इट्स बेटर इन दैट वे सो सपोज यू हैव आइसोलेटेड द एमआरएनए एंड टू बी फ्रैंक आइसोलेटिंग एमआरएनए इज नॉट दैट इजी आप जितना इजी पीसीआर रन कर लेंगे डीएनए कर लेंगे एमआरएनए उतना नहीं क्यों बिकॉज इट डिग्रेड्स वेरी रैपिडली ओके तो बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं सो फर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज सपोज लेट अस से दैट वी हैव गॉट द आइडियल कंडीशन ठीक है सब कुछ एवरीथिंग इज गुड एंड माय एमआरएनए इज आल्सो क्वाइट स्टेबल नाउ फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर कंट्रोल सो इन द कंट्रोल वॉट एवर यू हैव आइसोलेटेड द एमआरएनए यू आर गोइंग टू लोड तो एमआरएनए आई एम गोइंग टू गेट अराउंड वन और टू सब बैंड्स वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन योर जीन टारगेट नाउ व्हेन आई यूज एमआई और माइक्रो आरएनए टारगेटेड एमआरएनए सैंपल तो मैं सेल आइसिड बनाऊंगी सो व्हेन आई एम गोइंग टू रन दैट पर्टिकुलर सेल ओके इन विच द माइक्रो आरएनए हैज बीन टारगेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक एमआरएनए सो व्हेन आई एम गोइंग टू रन द जेल आई शुडंट गेट द बैंड्स ओवर हियर ठीक है सो इन दैट वे आई कैन कन्फर्म दैट यस माइक्रो आरएनए ने डिग्रेड कर दिया है This is one day, a very simple one, the basic one. Clear? Okay, someone is joining. Okay, anyone else? If anyone else is having the more answer to the question which we are discussing, it's good to share, okay? मैम कैन वी यूज वेस्टर्न ब्लॉट प्रोसीजर टू चेक द एनवेलप एंड नॉन एनवेलप वायरस हाँ यस बहुत हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट सी वेस्टर्न ब्लॉट इज फॉर द प्रोटीन सो इफ यू हैव गॉट द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एनवेलप और नॉन एनवेलप वायरस देन यू ओनली यू कैन यूज आपके पास एंटीबॉडीज होना चाहिए एंड इफ यू टॉक अबाउट द लाइक न्यू वायरस जो मार्केट में नया आया है then getting the antibodies of that particular virus is only possible if it is belonging to the same family for example let us take the scenario of corona only so coronavirus is not new in the nature aisa nahi hai ki wo pehli bar isse pehle aapne suna hoga sars karke sars suna hoga right yes ma'am sars hua tha सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो हुआ था ठीक है इससे और क्या हुए थे और भी थे आई मीन टू थ्री केसेस हुए थे ऑफ कोर्स चाइना से ही हुआ था इट्स एवरी टाइम चाइना ओनली सो इन द केस ऑफ कोरोना एक्चुअली एक फैमिली है ठीक है इट्स अ फैमिली ऑफ वायरस जिसके अंडर आपका कॉमन कोल्ड भी आता है एंड आज तक यू ऑल्सो नो दैट कॉमन कोल्ड की कोई वैक्सीन नहीं है इट जस्ट योर हाउस होल्ड प्रिकॉशंस या आयुर्वेदिक नुस्खे या घर के नुस्खे आप लेते हो सीवियर केसेस में आप सेट्रिजिन लोगे या जो भी कोल्ड का डी कोल्ड या टोटल हो गया ऐसा आप लेते हो राइट सो इन द केस ऑफ कोरोना जब ये आया जब इसने इफेक्ट करना शुरू किया वॉट हैपन वॉज लाइक सिंस वी केम टू नो दैट इट इज बिलोंगिंग टू दिस फैमिली वी ऑलरेडी हैड दी स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस दी प्रीवियस कॉजिंग वायरस जो थे उन सबके स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल थे ठीक है और जब स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है फैमिली रिलेटेड है तो इसका स्ट्रक्चर निकालना बहुत आसान हो गया था जब हमारे पास स्ट्रक्चर है किसी वायरस का तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बहुत ईजी हो जाता है ये रिकॉर्ड है आज तक के टाइम में कि एक दो साल में आपके पास वैक्सीन आया है अदरवाइज 15 to 20 ईयर्स लगते ही लगते हैं सो यू कैन यूज यस Epitope tagging also do for unknown protein detection. हाँ epitope tagging करता है but again you have got the database in which the epitopes are you know labeled कि ये particular region को ये bind करता है. So when you get the data, so they combine together, they run the simulation and then you can come to know that this particular structure, this particular antigen is present in that virus. ठीक है good. Yes. Anything else? So guys, I'll be stopping here now. Okay. We'll have more sessions like this in the upcoming lectures.